खून से लथपथ ये डॉक्टर सेबेस्टियन है। ये अस्पताल में भर्ती मरीज का इलाज करने आए थे, लेकिन मरीज ने इन पर ही चाकू से हमला कर दिया। साथ में आए डॉक्टर अभिषेक झा भी जख्मी हो गए। यवतमाल के वसंतराव नाईक सरकारी अस्पताल में हुई इस वारदात के बाद से सभी 300 रेजिडेंट डॉक्टर गुरुवार शाम से ही हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी है। इनका कहना है जब खुद बचेंगे तब तो मरीजों का इलाज करेंगे। आज जो भी अटैक किया गया है वो पेशेंट के वजह से किया गया है। पेशेंट नॉर्मल पेशेंट आके मार के जा रहे हैं तो हम क्या उधर मार खाने के लिए रुके? नहीं ना, हम नाम इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज बंद की है। मांगे ये कि हमें एक अच्छी सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, मतलब गार्ड्स पुलिस वगैरह की बहुत कमी है जिसके वजह से रेसिडेंट सफर कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूरज ने इसके पहले खुद को चाकू मारकर जख्मी कर लिया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। फल काटने वाले चाकू से अटैक किया था। ये जो पेशेंट था ये एडमिट इसलिए होता कि इसने पहले खुद को मार लिया था एक दिन पहले, इसलिए पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ था। ये वाकया होने के बाद में मैं खुद वहां पे गया, मेरा पूरा स्टाफ वहां पे गया। आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और रिलेवेंट सेक्शन में उसके ऊपर गुनाह भी दाखिल किया है। डॉक्टर पर हमला यवतमाल के अस्पताल में हुआ, लेकिन उसका असर पूरे महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में होता दिखा। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर के तकरीबन 7000 डॉक्टरों ने अपने अपने अस्पतालों में काला फीता पहनकर विरोध जताया। हमारी तो मांग रहेगी कि हर एक कॉलेज में मेटल डिटेक्टर ये सब सिस्टम चालू होना चाहिए। साथ ही में जो MSF के जो जवान हैं उनको बढ़ा के जो कुछ भी अपन सिक्योरिटी के पर्पज से कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। और पेशेंट हो वार्ड में ऐसे कुछ भी जो घातक है जैसे चाकू हो ये ऐसे जो हथियार है ये नहीं जाना चाहिए। इसकी कॉलेज प्रशासन हो या ऊपर से ऐसी एक कॉमन गाइडलाइन निकाल के हम ये करना चाहिए कि बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं पहले से भी, और यवतमाल में भी पिछले साल में इस तरह का सेम इंसिडेंट हुआ है। उस टाइम पे भी स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक करने के बाद भी अभी दो साल में दूसरा इंसिडेंट है। यवतमाल अस्पताल में डॉक्टर पर हुए हमले ने एक बार फिर से डॉक्टरों की सुरक्षा को जो चिंता है उसको बढ़ा दी है। फिर से एक बार डॉक्टरों ने मांग की है कि जो भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था है पुख्ता तौर पर की जाए ताकि वो सुरक्षित वातावरण में मरीजों का इलाज कर सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक माडिक, सुनील सिंह, NTV इंडिया।